गाइस, क्या आपने रेजिन आर्ट का नाम सुना है? अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ सुना है लेकिन अच्छा से समझा नहीं है इसके बारे में, तो भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हाय गाइस, मैं हूँ आकाश कश्यप, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स, जहाँ पे हम आर्ट और क्राफ्ट की न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले लेके आते हैं। तो कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो गए, मस्त हो गए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रेसिन आर्ट के बारे में। और सबसे पहले जब मैंने इस टर्म को सुना था तो रेसिन जो है मुझे मालूम था वो किशमिश को बोलते हैं, अगर आप लोग में से किसी को मालूम है, यहाँ पे मैंने फोटो भी लगा दिया। तो रेसिन एक्चुअली उसको बोलते, तो मुझे ये लगा कि उससे आर्ट कैसे बनाया गया। बट फिर जब मैंने पूरी जब मैंने पता लगाया तो एक्चुअली ये नहीं है। रेसिन एक्चुअली एक लिक्विड टाइप का एक केमिकल होता है, वो नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है लेकिन हम लोग आर्ट पर्पस के लिए उसको सिंथेटिकली बनाते हैं, मतलब खुद से हम लोग बना। रेसिन आर्ट इज क्रिएटेड व्हेन ए रनी केमिकल कॉल्ड इपॉक्सी रेजिन इज कंबाइंड विद वेरियस कलर पिगमेंट्स एंड एडिटिव्स which are used to produce a blend of unique patterns and textures. तो basic मतलब जो है वो ये है कि resin art कैसे create होता है, when we combine epoxy resin, जो कि resin और hardener दोनों mix होता है तो epoxy resin बनता है, ठीक है। तो epoxy resin के साथ जब हम लोग कोई भी color pigments हम लोग जब add जब करते हैं, basically हम लोग colors जब हम लोग add जब करते हैं और साथ में कुछ कुछ और एडिटिव्स हम लोग ऐड करते हैं, तो वैसे करके हम लोग रेसिन आर्ट बनाते हैं। तो गाइस, क्योंकि इसमें हार्डनर मिलाया हुआ होता है तो एक बार बन जाने के बाद फिर थोड़ा टाइम बाद वो अपने आप हार्ड बन जाता है, हेंस ये एक प्लास्टिक के शेप का भी, मतलब एक सॉलिड प्लास्टिक जैसा लगने लगता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू द रिएक्शन टू इट्स कंपोनेंट्स। अब इसके फायदे का क्या क्या है, रेसिन के फायदे क्या क्या है? तो बेसिकली ये ड्यूरेबल है और स्ट्रॉन्ग मटेरियल इसका होता है। इसके अलावा एक बहुत ही ग्लासी सा एक फिनिश उसको मिलता है, एक ग्लॉसी फिनिश होता है और प्रोटेक्टिव फिनिश भी है, मतलब कि बहुत जल्दी टूटने वाला नहीं है, ऐसा है। बेसिकली क्लियर एक प्लास्टिक शेप के रूप में, तो मोर लाइक कि आप बोल सकते हो कि प्लास्टिक के रूप में ये बन के निकलता है सूखने के बाद, बन जाने के बाद, फिर सूख जाने के बाद, फिर ये काफ़ी अच्छा एक ड्यूरेबल आर्टवर्क बनता है और ये काफ़ी यूनिक भी लगता है देखने में, तो इसीलिए भी आप बोल सकते हो। और मैं तो ये बोलूँगा कि आज के टाइम पे बहुत अच्छा है, वेन थिंग्स आर लाइक आप कम्पीट करते हो एक दूसरे से ऊपर जाने के लिए, एक दूसरे से आपको अच्छा बनाना है, कुछ भी आर्टवर्क हो गया चाहे कुछ भी हो गया, तो वैसे टाइम पे ये काफी इंटरेस्टिंग, काफी ज्यादा यूनिक है और ये हम लोग नॉर्मल आर्टिस्ट से अलग इसके मटेरियल्स होते हैं, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। कुछ का फन फैक्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो रेसिन इज फाउंड इन नेचर ऑल्सो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, सो बट कैन बी क्रिएटेड सिंथेटिकली एज वेल एंड वी मेनली यूज दिस सिंथेटिक रेसिन for our artistic purposes. तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया नेचर में पाए जाते हैं और काफी सालों से ये रेसिन जो है हमारे नेचर में पाए जाते हैं। हम एक्चुअली इस जो नेचर में पाए जाने वाले रेसिन उनको हम एम्बर बोलते हैं, जो कि एक्चुअली पेड़ में एग्जिस्ट करता है, जो हमारे ट्रीज है उनमें एग्जिस्ट ये करता है एम्बर। इसका हम लोग सालों से, मतलब 100 ईयर्स या उससे भी ज्यादा से हम लोग इसका यूज जो है कर रहे हैं। क्या चीज पर्पस के लिए? डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए या फिर ज्वेलरी बनाने के लिए। तो ये काफी ज्यादा डेकोरेशन के लिए और डिजाइनिंग के लिए, ये सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और अभी भी हम लोग आर्ट के लिए इसको यूज कर रहे हैं, हालांकि सिंथेटिकली बना के रेसिन को यूज कर रहे हैं। और सिंथेटिक रेसिन बेसिकली ज्यादा कम जो है वो टॉक्सिक होता है कंपेयर टू नेचुरल वन। और 1930s के अराउंड जो है इपॉक्सी रेजिन जो है वो एग्जिस्ट किया, जो कि मैंने आपको बताया कि रेजिन और हार्टनर जब आप मिलाते हो तो इपॉक्सी रेजिन का जन्म होता है, तो वही इपॉक्सी रेजिन जो है वो 1930s के आसपास जो है आया। और इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि जब लोगों को ये पता चला कि इसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट्स को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं,
ठीक है, और तब से लोग इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे और धीरे धीरे ये फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया लोगों के बीच। और अब तो खैर ये आर्ट के भी वजह से बहुत ज्यादा ही प्रचलित में है। अच्छा तो गाइस हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं कि मटेरियल्स आपको क्या क्या चाहिए अगर आपको एक रेजिन आर्टिस्ट अगर आपको बनना है। तो आपको अगर रेजिन आर्ट अगर बनाना है तो उसमें सबसे पहला जो है मटेरियल वो कैनवास होना चाहिए आपके पास, जो कि जिसमें क्या बनाओगे बेसिकली रेजिन आर्ट। ठीक है, तो कैनवास यू तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, प्लास्टिक यूज कर सकते हो, वुडन, लेकिन वुडन ही सबसे ज्यादा जो है वो बोला जाता है, सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक, तो कैनवास के रूप में आप वुडन आप यूज करो बेस्ट है। इसके अलावा ऑब्वियसली गाइस जब रेजिन आर्ट है तो रेजिन का तो यूज होना ही है इसमें, तो गुड क्वालिटी रेजिन हम लोग को जरूरत होता है, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा भले आपको महंगा आपको मिले लेकिन चीप वाला जो आप खरीदोगे, जो सस्ता वाला जो आप खरीदोगे ना रेजिन, तो वो बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर उसका नहीं रहेगा और इसीलिए आपका आर्टवर्क भी बहुत अच्छा नहीं बनेगा या वो वाव वाला फील नहीं आएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात गाइस कि आप जब रेजिन को जो आप इस्तेमाल करोगे रेजिन आर्ट बनाने में, तो बहुत सारा रेजिन को आप एक बार में नहीं ले लेना। अब नेक्स्ट जो है वो स्प्रे पेंट, जो तो ये जरूरी उतना ज्यादा नहीं है जैसा मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर इसका यूज अगर आप करोगे तो आप और भी अलग अलग आप टेक्सचर आप दे सकते हो अपने आप को, इसलिए स्प्रे पेंट भी आप यूज कर सकते हो। और वुड में ये बेसिकली बहुत अच्छा एक ऑप्शन भी हो सकता है स्प्रे पेंट यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट गाइस प्लास्टिक के जो है डिस्पोजेबल कप्स आप यूज कर सकते हो, या फिर एक और आता है रीयूजेबल सिलिकॉन कप्स, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन उसका मेन यूज क्या है टू मिक्स द रेसिन। ठीक है, जो हम लोग का वर्क जब हो रहा है तो रेसिन को हम लोग को मिक्स करना होता है और इसीलिए हम लोग यूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज गाइस ये इस टाइप का जो स्टिक्स जो होते हैं वो उसको आपने यूज करना है, रेसिन और कलर को आपने साथ में जब मिक्स जब करना है तो उसके लिए आपने इस वुडन जो पॉपसिकल का यूज आपने करना है। और इसके अलावा गाइस कलर पिगमेंट्स आप कोई से भी कलर आप यूज आप कर सकते हो, इंक आप यूज कर सकते हो, पेंट यूज कर सकते हो, मेटलिक पाउडर्स आपने यूज करना है तो आप कर सकते हो, इसके अलावा अगर पोटेंट पिगमेंट्स आपने यूज करना, मतलब आपने बहुत सारी चीज, इवन आप घर के कुछ मटेरियल जैसे कि हल्दी पाउडर और ये सब आप उससे भी आप इसको बना सकते हो। तो बेसिकली आपका क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कितना अपने आप को लिमिट करते हो, कि आप स्काई द लिमिट। और इस एक चीज में ये बहुत अलग सा एक चीज है, ये एक बहुत अलग सा आर्टवर्क का एक प्रोसेस है, मेथड है। इसके अलावा गाइस प्लास्टिक का कवरिंग आपने यूज करना है, आप अपने वर्क एरिया में आप बिछा के रख सकते हो ताकि कोई ये ना प्रॉब्लम ना। उसके अलावा आपने ग्लव्स आपने यूज करना है अपने हाथ में, ताकि जो रेसिन जो होता है बहुत ज्यादा जल्दी चिपकता है। ठीक है, और हाँ एक और बात है कि लोग इसका यूज कई बार चीजों को चिपकाने के लिए भी एज एडहेसिव बेसिकली गम के रूप में भी लोग यूज करते हैं फेविकॉल के तरह से, तो वही चीज है बहुत ज्यादा जल्दी से चिपकता है और इसीलिए आप जब भी इसमें जब आप काम करो तो ग्लव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तब अपने हाथ में पहन लो और उसके बाद फिर आप काम करो ताकि आराम से इजीली आपका काम आपका हो जाए। तो गाइस यही था एक बेसिकली वीडियो जिसमें हमने रेसिन आर्ट के बारे में बताया, उनके मटेरियल्स के ऊपर बताया, उनके हिस्ट्री के ऊपर बताया। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में आपको जानना है, स्पेशली मुझे तो बहुत ज्यादा मन है कि मैं रेसिन आर्टिस्ट किसी को बुलाऊं अपने चैनल पे और या तो टैक्सी के ऊपर मैं इंटरव्यू करूं या तो अलग से जो वीडियो में ही है उसी में मैं एक इंटरव्यू में करूं और बुलाऊं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में सजेशन बताओ कि क्या आप चाहते हो कि ऐसा कोई एक वीडियो लाऊं मैं कि जिसमें मैं रेसिन आर्टिस्ट को बुलाऊं, उनके साथ इंटरव्यू करूं, उनसे फिर वन टू वन कन्वर्सेशन भी होगा कि किस तरह से बनता है, प्रैक्टिकली भी शायद वो बना के दिखाए या फिर जो भी है, मतलब अब अपना एक वीडियो या तो दिखाए या तो कुछ भी, तो जो भी है जैसा भी है सजेशन वो कमेंट बॉक्स में डालो। इसके अलावा आपको कोई भी और डाउट हो इस टॉपिक के बारे में, कोई और टॉपिक के बारे में, तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालो, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, सारे के सारे कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता हूँ।
इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना गाइस, आई नो बहुत ज्यादा दिन बाद आया वीडियो, बट मैं लाइव करके बता चुका था कि एग्जाम चल रहे थे, उससे पहले भी कुछ कुछ और दिक्कत थी असाइनमेंट्स की और ये सब, तो अब रेगुलरिटी की थोड़ी सी कोशिश करना है और शॉर्ट वीडियोस भी जल्दी आने वाली है, वो डिमांड आया है तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी आएगी। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट वीक जो है हम लोग पोर्टफोलियो के ऊपर काम हम लोग कर रहे हैं, आर्ट पोर्टफोलियो, डिफरेंट डिफरेंट जो प्लम्बर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं और ये सब, केस स्टडी टाइप का हमने बताना है कि किस तरह से एक एक का पोर्टफोलियो बनता है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये वीडियो वाला वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, आएगा बहुत बड़ा वो वीडियो शायद बने, लेकिन वर्थ इट रहेगा, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो चलो गाइस इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो आपको मालूम है क्या करना है, लाइक करना है, साथ साथ फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जाके ऑन कर लो ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज एंड अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं अगले वीक होपफुली अगले वीक आपसे मिलता हूँ एक और नए आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।